चलिए नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अनदर एक्ट लेसन नंबर 15 लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट एंड आई एम वेरी श्योर लीगल मेट्रोलॉजी मेट्रोलॉजी शब्द आपने पहले कभी नहीं सुना होगा. यस ओके. जब हम लोग कोई सामान खरीदने जाते हैं तो आपने देखा है कि उस चीज को मेजर कैसे किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल आप सब्जी खरीदने गए गए हैं कभी सब्जी देखी है. अच्छा वैसे तो घर के काम आप ये कह के नहीं करते होंगे अरे हमारे पास पढ़ाई है बहुत है ना हमें पढ़ना है हम सब्जी थोड़ा ना लेंगे. और पढ़ाई आप कितनी कर रहे हैं ये हमको पता है ना. तो आप जब सब्जी लेने जाते हो और मान लीजिए आपने कहा कि भाई 250 ग्राम सब्जी दे दो तो वो क्या करता है फिर सब्जी वाला क्या करता है मेजर करता है तराजू होता है उसके पास एक तरफ सब्जी रखता है दूसरी तरफ खुद बैठता है फिर क्या रख देता है वेट्स रखता है बांट कहते हैं उसको सुना है बांट. ओके ये जो वेट्स होते हैं ना ये जो बांट होते हैं इन्हीं के ऊपर एक एक्ट बनाया गया है लीगल मेट्रोलॉजी. आपने कई बार देखा होगा जैसे आप 250 ग्राम सब्जी लेने जाते हैं तो क्या कभी आपके मन में ये डाउट नहीं आया ऐसा भी तो हो सकता है ये 250 ग्राम के वेट का वेट ही ना हो 250 ग्राम. ऐसा भी आता है आपके दिमाग में बड़ा शक करते हैं भाई आप लोग. अच्छा आपने ये देखा है कि जो सब्जी वाला होता है वो सब्जियों में पानी डालता रहता है देखा है क्यों फ्रेश रखने के लिए जगाने के लिए कुछ बच्चे कह रहे सब्जियों को जगाने के लिए इसलिए ताकि उनका वेट ज्यादा हो जाए. आपको लगता है ये सब्जी वाला सबसे बढ़िया है ये पूरे टाइम पानी डालता रहता है पानी डालता रहता है इसकी सब्जी सबसे फ्रेश होगी वो इसलिए कर रहा है स्पेशली लीफी वेजिटेबल्स एंड ऑल क्योंकि उसका वेट ज्यादा हो जाता है. कई बार आपने पिक्चरों में ये भी देखा होगा लोग तराजू के नीचे मैग्नेट लगा लेते सारी गलत चीजें कैसे देख लेते हो कोई गलत काम का नाम ले लें हम यस मैम ओ इलीगल काम आप बोल के देखिए तो मैग्नेट भी लगा लेता है लेकिन ये सब कुछ वो कर लेता है लेकिन कभी बांट के साथ छेड़छाड़ नहीं होती क्यों. अच्छा सब कुछ छोड़ो ये बताओ ये बांट मिलते कहाँ है. हम सोच रहे हम तौल के फीस लिया करें है फाउंडेशन की 250 ग्राम ऐसे एनीवेज हमको बांट खरीदने बताइए कहाँ से ले बांट लोहा मंडी से ले लें. अच्छा और बताइए अमेजोन नहीं मिल जाएगा क्या बात है. कुछ बच्चे कह रहे हैं हाँ मैम अमेजोन से ले लीजिए हम भी रोज खरीदते रहते हैं. अच्छा अमेजोन से मिल जाएगा और बताइए ऑनलाइन शॉप. अच्छा कहाँ जो वीकली बाजार होती है चादर बिछा के नहीं ओके. आपने कभी कांटा वाला शॉप्स देखी है कुछ शॉप्स होती हैं वहां लिखा होता है धर्म कांटा कभी देखा है ऐसा कुछ नहीं मैम हम लोग सिर्फ अपने मतलब की दुकानें देखते हैं है ना. धर्म कांटा या कांटा वाला जो शॉप्स होती हैं ये ऑथराइज्ड शॉप्स होती हैं वेट्स एंड मेजर्स की. जो भी वेट्स एंड मेजर्स आप दुकानों में देखते हैं मार्केट में देखते हैं वो सब अप्रूव्ड होते हैं वो सब इस एक्ट के हिसाब से गवर्न्ड होते हैं. और ऐसा नहीं है कि ये वेट्स एंड मेजर आपको कहीं भी मिल जाएंगे जहां भी मिलेंगे दैट हैज टू बी एन ऑथराइज्ड डीलर और ऑथराइज्ड मैन्युफैक्चरर. और इन वेट्स एंड मेजर को गवर्न करने के लिए ये एक्ट बनाया गया है लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट. पहले आपको पता है इस एक्ट अगर आप देखो इसका ईयर 2009 तो बहुत पुराना एक्ट नहीं एक्चुअली पहले इस एक्ट का नाम ही था एसेंशियल्स ऑफ वेट्स एंड मेजर्स. इसका नाम ही वेट्स और मेजर्स में था. फिर एक प्रॉब्लम क्या फेस हुई मेजरिंग यूनिट्स जो होती हैं वो अलग अलग जगह पर अलग अलग थी. जैसे फॉर एग्जांपल हमारी कंट्री में जो भी मास वाली चीजें होती हैं हम उसे किलोग्राम्स में करते हैं लिक्विड चीजें होती हैं लीटर्स में करते हैं और हमारे अपने डिनोशंस हैं कि भाई एक लीटर में इतना होता है या एक किलोग्राम में इतना होता है. तो कई बार क्या हो रहा था अलग अलग कंट्रीज में वेट्स के अलग अलग पैरामीटर्स थे यानी अलग अलग कंट्री में अलग अलग क्वांटिटीज नापी जाती थी. उससे प्रॉब्लम ही होने लगी जब ग्लोबलाइजेशन हुआ और हम लोग गुड्स इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट करने लग गए तो कॉमन पैरामीटर नहीं मिल रहा था. फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ से कोई चीज एक लीटर की भेजी हो सकता है उस कंट्री में उसके डिनोमिनेशन अलग हो सकता है उस कंट्री में उसको कम मेजर किया जा रहा हो. तो एक प्रॉब्लम ये फेस होने लगी कि भाई एक ग्लोबल हार्मोनाइजेशन चाहिए एज फार एज वेट्स एंड मेजर्स आर कंसर्न कि ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम क्वांटिटीज का मेजरमेंट रखा जाए. और ये सोच के ग्लोबल सिस्टम के हिसाब से हमारी कंट्री में भी
वेट्स एंड मेजर्स के मेजरमेंट का सिस्टम बनाया गया। और वेट्स एंड मेजर का जो सिस्टम होता है ना, जो साइंस होती है जिससे हम वेट्स एंड मेजर को क्वांटिफाई करते हैं, उसको कहा जाता है लीगल मेट्रोलॉजी। तब हमारी कंट्री ने एसेंशियल्स ऑफ वेट्स एंड मेजर एक्ट का नाम चेंज करके लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट बना दिया गया। इस एक्ट के अंदर बेसिकली क्या है, जितने भी ये वेट्स एंड मेजर्स होते हैं, दे हैव टू बी स्टैंडर्ड वेट्स एंड मेजर, स्टैंडर्ड प्री अप्रूव्ड। प्री अप्रूव्ड मींस हर वेट एंड मेजर ऑथराइज्ड होना चाहिए, हर वेट एंड मेजर एक ऑथराइज्ड मैन्युफैक्चरर के थ्रू होना चाहिए। इस एक्ट के अंदर जब हम लोग मैन्युफैक्चरर की बात करेंगे तो बताइए वो मैन्युफैक्चरर क्या बना रहा होगा, वेट्स एंड मेजर्स का मैन्युफैक्चरर। ओके, अगर हम आपसे कहेंगे डीलर ऑफ वेट्स एंड मेजर, डीलर का मतलब क्या हुआ, जो सिर्फ गुड्स की बाइंग एंड सेलिंग कर रहा है, वो किस चीज की बाइंग एंड सेलिंग कर रहा है, वेट्स एंड मेजर की। अगर हम आपसे कहेंगे कि हम यहाँ पर रिपेयरर की बात कर रहे हैं, तो वो क्या रिपेयर कर रहा होगा, वेट्स एंड मेजर। तो इस पूरे एक्ट में हम लोग पढ़ने वाले हैं वेट्स एंड मेजर्स कैसे बनते हैं, वेट्स और मेजर्स के ऊपर कौन सा लॉ लग रहा है, एंड दैट हैज टू बी ऑथराइज्ड। इसके अलावा एक और चीज होती है प्री पैकेज्ड कमोडिटी। जब भी हम लोग कोई चीज खरीदने जाते हैं तो वो दो हो सकती है, या तो वो आपके सामने पैक करता है और या तो वो प्री पैकेज्ड होती है। व्हाट डू यू मीन बाय प्री पैकेज्ड, पहले से पैक बना होता है। अच्छा, मान लीजिए आप एक दुकान पे गए और आपने उसे कहा कि 1 kg का लेट से सॉल्ट का पैकेट दे दीजिए, उसने आपको 1 kg का सॉल्ट का पैकेट दिया, आपने पैसे दिए और आप लेके घर आ गए। कभी उसको तोलते मेजर करते हो, क्यों मेजर क्यों नहीं किया? अच्छा, अगर मान लीजिए आप उससे कोई खुला सामान ले रहे हैं, ठीक है, खुली क्वांटिटी दी, खुला नमक था, आपने कहा भैया 1 kg दे दो, अब जब वो मेजर करता है तब आप पूरा का पूरा ध्यान उसी पे लगाते हैं कि वो जरा सा भी कम ना रखे। ज्यादा डाल देगा तो आप चुप रहेंगे, कम रखेगा तो आप उसको एकदम परेशान कर देंगे कि भैया कम क्यों रखा, यानी आप अपने सामने उसको मेजर कराते। लेकिन अगर आप कोई पैकेट खरीदे, कुछ भी, आप एक कुरकुरे का पैकेट खरीद के लाए, उसमें लिखा रहता है 20 ग्राम, क्या अब आप इतना कुरकुरे खाते हैं कि आपको वेट से आइडिया हो गया हाँ ये 20 ग्राम होगा? कुछ लोग को होता है इतना भी, 20 ग्राम तो नहीं लग रहा है ना, लेकिन फिर भी आप उस पर डाउट नहीं करते, भाई बल्कि आपको नहीं लगता जो पहले से पैक है उसको ज्यादा आपको तोलवाना चाहिए कि भैया पता नहीं कितना हो। तो आज के बाद जब भी आप कोई सामान खरीदने जाइएगा, जो पैकेज्ड कमोडिटी हो उसकी क्वांटिटी को उसके सामने चेक करिएगा। क्यों नहीं करते चेक, कभी सोचा आपने? कोई चीज 10 kg, 10 kg का आप आटा लेकर आए, उसने कहा ये 10 kg का पैकेट दे दो, उसने पैकेट दे दिया, आप लेके चले आए, आपने उसको मेजर नहीं किया वो 10 kg था कि नहीं था। किस पे भरोसा कर रहे हैं, दुकान वाले पे? अगर दुकान वाले पे भरोसा कर रहे हैं तो जब वो आपके सामने पैक करते हैं फिर आपका भरोसा क्यों उठ जाता है अचानक से? ऐसा क्यों, आपने ऐसा सोचा ही नहीं? इसलिए क्योंकि ये प्री पैकेज्ड कमोडिटी भी अप्रूव्ड होती है थ्रू दिस एक्ट ओनली। ये सब कुछ, कौन सी चीज में कितनी क्वांटिटी है, ये सब कुछ अप्रूव्ड होके, लाइसेंस्ड होके फिर आपके सामने तक आता है। आपको पता नहीं है लेकिन फिर भी अगर किसी कमोडिटी पे कुछ भी लिखा हुआ है तो वो चीज होना जरूरी है। जो भी प्री पैकेज्ड कमोडिटी होते हैं उसके दो पैनल होते हैं, जिसको हम लोग प्रिंसिपल डिस्प्ले पैनल कहते हैं। पैनल का मतलब एक फ्रंट और एक बैक, ठीक है। अगर आपने ध्यान दिया हो तो किसी भी प्री पैकेज्ड कमोडिटी में सारी इंफॉर्मेशन या तो फ्रंट पे होती है या तो बैक में, पैकेट का फ्रंट या बैक, ठीक है। फ्रंट पे वो जनरली अपने प्रोडक्ट का नाम एंड इंग्रेडिएंट्स वगैरह लिखते हैं और पीछे वो सारी इन्फॉर्मेशन लिखते हैं, कहाँ मैन्युफैक्चर हुआ, क्या इंग्रेडिएंट्स है। कभी कभी जैसे आप कुछ पैकेट खाते हो और वो चीज खत्म हो जाती है लेकिन आपका पैकेट फेंकने का मन नहीं करता, तब आप उसके पढ़ना शुरू करते हैं ना, हाँ कहाँ लिखा है क्या है। जब एकदम पूरा पैकेट खत्म हो गया, अब फेंकने का मन नहीं हो रहा है, कोशिश कर रहे हैं एक और निकल आए, है ना, लेकिन कुछ निकल नहीं रहा, तो आप उसकी इंग्रेडिएंट्स और जो कुछ भी लिखा है पढ़ना शुरू करते हैं। दिस इज ऑल्सो अ लॉ, ये भी एक एक्ट है जो ये कहता है कि जो भी प्री पैकेज्ड कमोडिटी है उसके फ्रंट या बैक पे ही आपको सारी इंफॉर्मेशन लिखनी है। तो इमेजिन करके देखिए आप, अच्छा आपने देखा होगा वो जो वेज और नॉन वेज का डॉट होता है ग्रीन एंड रेड, है ना, वो कहाँ होता है, पैकेट के बाहर की पैकेट के अंदर? सोच के देखो, अगर ऐसा होता कि पूरा पैकेट खा लिया आपने, एकदम आखिरी आखिरी चीज मुंह में डाली तब रेड डॉट दिखा, इमेजिन करिए सिचुएशन। आप प्योर वेजिटेरियन है, आपने पूरा पैकेट खा लिया और आखिरी चिप्स जैसे ही उठाई उसी के पीछे वो रेड डॉट था, अब क्या होगा? हाँ,
फ्रंट में होना चाहिए कि इनसाइड होना चाहिए? जनरली इनसाइड क्या होता है पता है, जो उनके लकी ड्रॉज निकलते हैं या कोई प्राइज जो जरूरी नहीं होते हैं, लेकिन जितनी जरूरी इंफॉर्मेशन है उसको फ्रंट या बैक पे लिखना कंपलसरी है, और ये कंपलसरी हुआ है इस एक्ट के हिसाब से। तो जितने भी ये बांट होते हैं, जितने भी वेट्स एंड मेजर्स होते हैं, छोटे लेवल पे अगर हम लोग बात करें तो बांट होते हैं, बड़ी बड़ी अगर आपने देखा हो तो वो ऐसी मशीन होती है जिसमें ऐसे कांटा, जिसको बोलते हैं कांटा, समझ रहे हो, जिससे ऐसे मेजरिंग स्केल, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में ऐसे बड़े बड़े वेट्स एंड मेजर्स का यूज होता है। ऑल दीज वेट्स एंड मेजर्स हैव टू बी ऑथराइज, ऑल दीज वेट्स एंड मेजर्स हैव टू बी लाइसेंस्ड, और उनको लाइसेंस देने की अथॉरिटी जिस एक्ट के पास है उसको हम लोग क्या कहते हैं, लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट। ठीक है, तो आई थिंक मीनिंग समझ में आ गया इस एक्ट में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। एज फार एज एक्ट की इम्पोर्टेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, अगेन नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट एक है जो हम लोगों ने पढ़ा है, बिल्कुल उसी तरह ये भी है। ठीक है, तो सिर्फ जितनी चीजें मार्क कराएंगे अगर आप उतना पढ़ लोगे दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट। सबसे पहले बताएंगे व्हाट इज लीगल मेट्रोलॉजी। लीगल मेट्रोलॉजी इज द नेम बाय विच लॉ रिलेटिंग टू वेट्स एंड मेजर इज नोन इन इंटरनेशनल पार्लेंस। हमारी कंट्री में तो इनको वेट एंड मेजर ही बोला जाता था, लेकिन इंटरनेशनल पार्लेंस में ऑल ओवर द वर्ल्ड इसको हम लोग किस नाम से जानते थे, लीगल मेट्रोलॉजी। हमारी कंट्री ने सोचा कि हम लोग भी अपने वेट्स एंड मेजर्स को स्टैंडर्डाइज करते हैं, और इसलिए हम लोगों ने भी इसको किस नाम से बोलना शुरू कर दिया, लीगल मेट्रोलॉजी। तो वो साइंस, वो स्टडी जिसमें हम लोग वेट्स एंड मेजर्स के बारे में पढ़ते हैं उसको कहा जाता है लीगल मेट्रोलॉजी। लीगल मेट्रोलॉजी इज वेरी वाइटल फॉर साइंटिफिक, टेक्नोलॉजिकल एंड इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस। जैसे हम लोग वेट्स एंड मेजर की बात कर रहे हैं, सी दे हैव टू बी वेरी मच एक्यूरेट। अब आप कहेंगे हाँ एक्यूरेट होना जरूरी है क्योंकि हम मेजर करके सामान ले रहे हैं, लेकिन आपको पता है आपसे ज्यादा एक्यूरेसी चाहिए होती है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में। आपको पता है जो इंडस्ट्रीज होती हैं या जो मेडिसिन बनती है वहां पे हर चीज नाप के डाली जाती है, क्वांटिटी मेजर की जाती है कि भाई 0.001 ग्राम ये होना चाहिए, पॉइंट इतना ग्राम ये होना चाहिए, वहां पर मेजरिंग की ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। इसलिए दीज वेट्स एंड मेजर्स हैव टू बी वेरी मच एक्यूरेट, 100% एक्यूरेसी होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि किसी भी चीज का कंपाउंड अगर ज्यादा या कम हो जाता है तो उसके इफेक्ट बहुत ज्यादा हो जाते हैं। इसलिए अब आपको लग रही नहीं हमारी एक्यूरेसी ज्यादा है कि एक आलू कम ना चढ़ जाए, एक आलू ज्यादा ना चढ़ जाए, लेकिन आपके लिए एक्यूरेसी उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी की इंडस्ट्रीज में होती है। इसलिए ये सोचा गया कि इस वेट्स एंड मेजर को स्टैंडर्डाइज किया जाए, और इसके लिए इसको नाम क्या दे दिया गया, लीगल मेट्रोलॉजी। द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ वेट्स एंड मेजर and their proper enforcement aims at ensuring accuracy of measurement. Main objective यही था कि अगर हम इनको standardize कर देंगे तो measurements accurate हो जाएंगे, and thus legal metrology strengthens the national economy in a broader sense beside being a potential instrument of consumer protection. अच्छा बताओ legal metrology से consumer protection का क्या लेना देना, how can it ensure consumer protection? जैसे अभी हमने आपसे कहा कि आप 1 किलो का पैकेट लेके आते हैं तो आप उसको मेजर क्यों नहीं करवाते हैं, आप किस भरोसे से लेके आते हैं, आप हमको बताओ आपके आपको किसके ऊपर भरोसा है, लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट के ऊपर। दैट इज व्हाट इज द कॉन्फिडेंस। वो बात अलग है आपको पता नहीं था, ठीक है अभी अभी 1 मिनट पहले पता चला, बट स्टिल ठीक है, आप जिसके ऊपर भरोसा करके वो पैकेट लेके चले आए वो भरोसा था इस एक्ट का, वो भरोसा है इसके वेट्स एंड मेजर्स का कि जितनी भी कमोडिटीज हैं वो सब प्री मेजर्ड होती हैं, प्री अप्रूव्ड होती हैं। ओके, तो देखिए लिखे कि जब लोगों का कॉन्फिडेंस होता है और कॉन्फिडेंस की वजह से ही क्या अश्योर होता है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन। द स्कोप ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल प्रैक्टिस एक्सटेंड्स टू 3 broad fields ऑफ ह्यूमन, नेमली कमर्शियल ट्रांजेक्शन में यूज करते हैं, इंडस्ट्रियल मेजरमेंट्स and measurement needed to ensure public health and human safety. So industries mein use hota hai, commercial cheezon mein use hota hai, and health and safety. Safety instruments wagaira jo hote hain, wahan par bhi legal metrology ka bahut use hai. Next paragraph mein mark kariye definition. Legal metrology can be defined as that part of metrology. Metrology means anything which can be measured. लीगल मेट्रोलॉजी कैन बी डिफाइंड एज दैट पार्ट ऑफ मेट्रोलॉजी विच डील्स विद
यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, मेथड्स ऑफ मेजरमेंट, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स इन सो फार एज दे कंसर्न स्टैट्यूटरी टेक्निकल लीगल रिक्वायरमेंट विच हैव द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव. देखिए मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, पब्लिक गारंटी अश्योर करना. पब्लिक गारंटी अश्योर करना मतलब पब्लिक अगर उस वेट एंड मेजर में, आप देखिए आप जब भी क्वांटिटी की कोई भी चीज खरीदते हो आप कंपेयर करते हो उसके वेट से, यानी आपको ये भरोसा है कि अगर एक किलो का बाट है तो उसका वेट एक ही किलो होगा. अब आप चेक क्या करते हो कि उसके बराबर के गुड्स रखे जा रहे हैं कि नहीं. तो ये जो गारंटी आप दे रहे हैं, ये जो आप कॉन्फिडेंस रख रहे हैं, ये कॉन्फिडेंस किसके ऊपर रखा जा रहा है, लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट के ऊपर. सो द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ अश्योरिंग पब्लिक गारंटी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सिक्योरिटी एंड ऑफ एप्रोप्रिएट एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट्स. ओके अब आइए इंपॉर्टेंट मार्क करिए शॉर्ट नोट के लिए, OIML, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी. नाउ अगेन ये भी वैसी ही एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है और जो जो कंट्रीज इसके मेंबर कंट्रीज बनती हैं उन सबको मेट्रोलॉजी के सेम रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने होते हैं. यानी ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, अलग अलग कंट्रीज इसके मेंबर बनेंगी जिसको हम लोग कहेंगे मेंबर्स ऑफ OIML, और जो जो मेंबर होगा OIML का उन सबको वेट्स एंड मेजर्स के लिए वही सेम रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने होंगे. जैसे आपको याद होगा एक और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो अलग अलग कंट्रीज की ऑर्गेनाइजेशन होती है जो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाई जाती है, बताइए कौन सी, FATF. सुना है ना हम लोगों ने FATF के बारे में. व्हाट इज FATF? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स. इसमें भी मेंबर कंट्रीज होती है और इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्यों बनाई गई है ये ऑर्गेनाइजेशन, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग. बिल्कुल वैसे ही इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी OIML एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, अलग अलग कंट्रीज इसकी मेंबर हैं और जो जो इसका मेंबर होगा उन सबको वेट्स एंड मेजर्स के लिए स्टैंडर्ड रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने होंगे. नाउ अगेन इंडिया बीइंग अ मेंबर, इंडिया भी इसकी मेंबर थी इसलिए हम लोग ने भी स्टैंडर्ड फॉलो किया और तभी हमारे यहाँ भी वेट्स एंड मेजर्स की जगह अब इस एक्ट का नाम क्या रख दिया गया, लीगल मेट्रोलॉजी. शॉर्ट नोट में आ सकता है एग्जाम में, द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी इज एन इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी. व्हाट डू यू मीन बाय इंटर गवर्नमेंटल, मोर देन वन गवर्नमेंट, एक से ज्यादा गवर्नमेंट इन्वॉल्व है इसमें. एंड व्हाट डू वी मीन बाय ट्रीटी, ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, अग्रीमेंट, कह रहे कई सारी कंट्रीज के बीच में अग्रीमेंट हुआ है हूज मेंबरशिप इंक्लूड्स मेंबर स्टेट्स कंट्रीज विच पार्टिसिपेट एक्टिवली इन टेक्निकल एक्टिविटीज एंड करस्पॉन्डिंग मेंबर्स विच जॉइन OIML एज ऑब्जर्वर. यानी कुछ मेंबर्स होते हैं जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं और कुछ होते हैं OIML ऑब्जर्वर्स. इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1955 इन ऑर्डर टू, अंडरलाइन करो इंपॉर्टेंट, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रमोट ग्लोबल हार्मोनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी प्रोसीजर. सिर्फ इतनी लाइन का मतलब बताओ क्या हुआ, ग्लोबल हार्मोनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी प्रोसीजर. मतलब ग्लोबल हार्मोनाइजेशन मीन्स ऑल ओवर द वर्ल्ड हार्मनी रहे, एक जैसे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो हो एज फार एज वेट्स एंड मेजर्स आर कंसर्न. ओके सिंस दैट टाइम OIML हैज डेवलप्ड द वर्ल्ड वाइड टेक्निकल स्ट्रक्चर दैट प्रोवाइड इट्स मेंबर्स विद मेट्रोलॉजिकल गाइडलाइंस. अब देखो ये ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या करती है, मेट्रोलॉजिकल गाइडलाइंस देती है अपनी मेंबर कंट्रीज को. मेट्रोलॉजिकल गाइडलाइंस मीन्स गाइडलाइंस देती है कि आपके वेट्स एंड मेजर्स कैसे होने चाहिए, हाउ यू शुड मेजर योर वेट्स एंड मेजर्स, फॉर इलैबोरेशन ऑफ नेशनल एंड रीजनल रिक्वायरमेंट कंसर्निंग द मैन्युफैक्चर एंड यूज ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स फॉर लीगल मेट्रोलॉजी एप्लीकेशन. तो ये एक ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है, ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, अलग अलग कंट्रीज की गवर्नमेंट ने अग्रीमेंट साइन करके ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई और ये अपनी मेंबर कंट्रीज को हेल्प करती है वेट्स एंड मेजर्स को हार्मोनाइज करने में. ओके शॉर्ट नोट आएगा तो लिख लेंगे, ठीक है. कौन से ईयर में आया ये एक्ट, क्वेश्चन हम कुछ भी पूछें आप आंसर वो बताएंगे जो आप बताना चाह रहे हैं. हमने पूछा ये एक्ट कौन से ईयर में आया, इसके पहले आपने क्या आंसर दिया था, OIML तो हमने पूछा ही नहीं, यही एग्जाम में होता है, इंस्टीट्यूट पूछे कुछ भी आप आंसर वो लिख के आते हैं जो आपने प्रिपेयर किया है ना, और साथ में लिख देते हो नोट
आपने जो पूछा तो वो मैं आता नहीं था, हमें जो आता था वो लिख दिया है, इसको सही समझ के मार्क कर दीजिएगा। अकॉर्डिंग टू OIML, लीगल मेट्रोलॉजी इज एंटायरिटी ऑफ लेजिस्लेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव टेक्निकल प्रोसीजर इस्टैब्लिश्ड बाय और बाय रेफरेंस टू पब्लिक अथॉरिटी एंड इम्प्लीमेंटेड ऑन देयर बिहाफ इन ऑर्डर टू स्पेसिफाई एंड टू इंश्योर इन अ रेगुलेटरी और कॉन्ट्रेक्चुअल मैनर एप्रोप्रिएट क्वालिटी एंड क्रेडिबिलिटी ऑफ मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट, की मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए और क्रेडिबिलिटी की सही है कि नहीं, क्वांटिटी कैसी है। इस मेन ऑब्जेक्टिव से OIML ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है। एक लाइन और मार्क कर सकते हो, OIML डेवलप्स मॉडल रेगुलेशंस, कह रहे हैं रूल्स रेगुलेशंस बनाते हैं, इंटरनेशनल रिकमेंडेशंस बनाते हैं विच प्रोवाइड मेंबर्स विद एन इंटरनेशनली अग्रीड अपॉन बेसिस फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नेशनल लेजिस्लेशन। ये लाइन बताइए क्या मतलब हुआ, कह रहे हैं कि ये रेगुलेशंस और इंटरनेशनल रिकमेंडेशंस बनाते हैं, लेट मी सी यू इज गोइंग टू टेल, विच प्रोवाइड मेंबर्स विद एन इंटरनेशनली अग्रीड अपॉन बेसिस फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नेशनल लेजिस्लेशन। मतलब ऐसे नहीं, हाथ उठा के बताइए क्या मतलब हुआ इस लाइन का, मेंबर्स विद एन इंटरनेशनली अग्रीड अपॉन बेसिस फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नेशनल लेजिस्लेशन, क्या करता है OIML? हाँ बेटा, हाँ एब्सोल्युटली ये रिकमेंडेशंस देते हैं कि जब कोई मेंबर कंट्री अपना लॉ बनाएगा तो वो अपने लॉ में इनके रिकमेंडेशंस को इंक्लूड करे। दैट इज वाई जब हमारी कंट्री ने अपना एक्ट बनाया लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट, तो लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट में रिकमेंडेशंस किसके इंक्लूड हुए, OIML के। तो आई होप नाउ यू हैव गॉट 4-5 लाइंस जो आप इसके शॉर्ट नोट में लिख सकते हैं, ठीक है, ओके। आप देखो नेक्स्ट है OIML सर्टिफिकेट सिस्टम फॉर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। सर्टिफिकेट सिस्टम फॉर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट मतलब OIML ये कहता है जब भी कोई मैन्युफैक्चरर या डीलर, ठीक है, या रिपेयरर किसी भी वेट या मेजर में डील कर रहा होगा तो उसको एक अप्रूवल या सर्टिफिकेट लेना पड़ता है OIML से। वी कैन से जितने भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं दे हैव टू बी OIML अप्रूव्ड। एक सर्टिफिकेट लेना पड़ता है कि भाई हमारा वेट एंड मेजर ऑथराइज्ड है। द OIML सर्टिफिकेट सिस्टम फॉर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 1991 टू फैसिलिटेट एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर एंड लोअर द कॉस्ट एसोसिएटेड विद इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। अब अगली लाइन से मार्क करो, द सिस्टम प्रोवाइड्स द पॉसिबिलिटी फॉर अ मैन्युफैक्चरर टू ऑब्टेन एन OIML सर्टिफिकेट एंड अ टेस्ट रिपोर्ट इंडिकेटिंग दैट अ गिवन इंस्ट्रूमेंट टाइप कंप्लाइज विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ OIML इंटरनेशनल रिकमेंडेशन। बताओ ये तीन लाइन समझ में आई कि नहीं आई। द सिस्टम प्रोवाइड्स पॉसिबिलिटी फॉर अ मैन्युफैक्चरर, हु इज दिस मैन्युफैक्चरर, वो क्या बना रहा है, वेट्स एंड मेजर, कह रहे जो भी मैन्युफैक्चरर वेट्स एंड मेजर बना रहा है उसको एक सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा OIML से। OIML बताओ किस बात का सर्टिफिकेट दे रहा है कि जो वेट्स एंड मेजर्स बनाए गए हैं वो किसके रिकमेंडेशंस के हिसाब से हैं, OIML के हिसाब से, ठीक है। इट कंप्लाइज विद द रिक्वायरमेंट ऑफ रेलिवेंट OIML इंटरनेशनल रिकमेंडेशंस, ओके, यानी OIML रिकमेंडेशंस देता है और उसी के रिकमेंडेशंस के हिसाब से वेट्स एंड मेजर्स बनाए जाते हैं, ओके। अब आ जाओ नेक्स्ट डेफिनेशंस पे। सबसे पहली डेफिनेशन है डीलर, बताइए डीलर कौन हुआ, डीलर में और मैन्युफैक्चरिंग में क्या फर्क हुआ, डीलर सिर्फ बाइंग एंड सेलिंग करता है, मैन्युफैक्चरर बना रहा है प्रोड्यूस कर रहा है। देखिए कह रहे हैं डीलर इन रिलेशन टू वेट एंड मेजर मींस अ पर्सन हु कैरीज ऑन डायरेक्टली और अदरवाइज बिजनेस ऑफ बाइंग सेलिंग सप्लाइंग डिस्ट्रीब्यूटिंग एनी सच वेट और मेजर, किस चीज की खरीद बेच की जा रही है, वेट्स एंड मेजर्स, ठीक है। तो हर वो पर्सन जो बाइंग सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है वेट एंड मेजर का उसको क्या कहा जाएगा, डीलर। अगली तो डेफिनेशन थोड़ी टफ है, देखो हो पाएगा, ना हो पाए तो छोड़ देना डिफिकल्टी की वजह से। एक्सपोर्ट मतलब क्या होता है, बाहर से यहां लाना या यहां से बाहर भेजना, यहां से बाहर भेजना। और इंपोर्ट मतलब, अच्छा बताओ कोई ऐसी जगह होती है जो इंडिया के अंदर होती है लेकिन फिर भी हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट मानेंगे, क्या चीज ये क्या होता है, SEZ मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन,
ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन इंडिया में होते हैं कि बाहर होते हैं? तो यहां से वहां और वहां से यहां इंपोर्ट एक्सपोर्ट मानते हैं। क्यों? क्योंकि एसईजेड को क्या माना जाता है? फॉरेन टेरिटरी। तो हम लोग अभी जो एसईजेड चैप्टर पढ़ रहे हैं, एसईजेड नहीं पढ़ रहे? पक्का भूल गई नींद? इसमें भी यहां आता है आपका। हाँ अच्छा, तो ये लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट कौन से ईयर में आया? 2009। ओके, और इसकी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है? OIML, फुल फॉर्म क्या है? कुछ बच्चे सोच रहे, छोड़ो हटाओ रहने दो, क्या करना होगा कुछ। इसके फुल फॉर्म में ट्विस्ट क्या है बताओ? ओ से स्टार्ट नहीं है, ठीक है? तो जो आप बनाने की कोशिश करते हो ना कई बार फुल फॉर्म, तो ये भी ध्यान रख लेना। एनीवेज, हम लोग डेफिनेशंस पढ़ रहे हैं, हम लोग ने डीलर पढ़ लिया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पढ़ लिया, लेबल क्या होता है बताओ? व्हाट इज अ लेबल? कम ऑन, लेबल तो पता ही है, हर पैकेट डब्बे के ऊपर वो जो एक लेबल लगा होता है, ठीक है? दैट इज व्हाट इज व्हिच गिव्स द इंस्ट्रक्शंस, जिसमें मार्क सिंबल कुछ भी लगा होता है उसको लेबल कहते हैं। रिटन मार्क्ड स्टैम्प प्रिंटेड ग्राफिकल मटेरियल अपीयरिंग ऑन एनी प्री पैकेज्ड कमोडिटी, व्हाट इज अ प्री पैकेज्ड कमोडिटी? जो हमारे सामने पैक नहीं हुई है, ठीक है? अच्छा, लीगल मेट्रोलॉजी बार बार क्यों डेफिनेशन दे रहे हैं बता सकते हैं आप? देखो कैसे जगह जगह के पढ़ाना पड़ रहा है हमको। लीगल मेट्रोलॉजी की डेफिनेशन अभी एक बार और दी थी, अब दोबारा दे दी, ये वाली काट दो। इस वाली में और उस वाली में क्या फर्क है? ये एक्ट की डेफिनेशन है, कैसे पता चल रहा है? सेक्शन लिखा है, सेक्शन 2G, सेक्शन 2 है, सेक्शन 1 कहां गए इनके? सेक्शन 1 में कुछ नहीं होता है तो शगुन के लिए रखे जाते हैं। सेक्शन 1 कहां गए? सब में 2 से शुरू होता है, 1 कहीं होता ही नहीं है। 1 में क्या होता है? हु कैन टेल मी? शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट। शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट मतलब नेम ऑफ द एक्ट। शॉर्ट टाइटल मींस एक्ट का नाम, ठीक है? एंड कमेंसमेंट कि वो किस दिन स्टार्ट हुआ। और सेक्शन 2 में हमेशा क्या होता है? डेफिनेशंस। ये कौन सा एक्ट पढ़ रहे हैं? एक्ट कौन सा पढ़ रहे हैं? कौन से ईयर में आया? ठीक ठीक ठीक, सब जग रहे। मैन्युफैक्चरर बताओ क्या मैन्युफैक्चर कर रहे हैं? वेट्स एंड मेजर्स, ठीक है? एज पर सेक्शन 2I, मैन्युफैक्चरर इन रिलेशन टू वेट्स एंड मेजर मींस अ पर्सन हु, देखो मैन्युफैक्चरिंग कितनी तरह से हो सकती है। पहला तरीका है मैन्युफैक्चर वेट्स और मेजर, हम खुद वेट्स और मेजर बना रहे हैं। दूसरा तरीका, मैन्युफैक्चर वन और मोर पार्ट्स एंड एक्वायर अदर पार्ट्स। बताओ ये कैसी मैन्युफैक्चरिंग हुई? कुछ पार्ट्स हम बना रहे हैं, कुछ पार्ट्स हमने बाहर से ले लिए, असेंबल करके हमने बेच दिया। तीसरा, तीसरे में क्या हो रहा है? हमने कुछ भी नहीं बनाया, सिर्फ बने बनाए पार्ट्स खरीदे और असेंबल कर दिए। जितने भी ये इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स होते हैं ना, एसी, टीवी, फ्रिज वगैरह, ज्यादातर स्पेशली अगर हम लोग एसी वगैरह की बात करें या टीवी की बात करें, ये सब असेंबल्ड ही होते हैं। इनके अलग अलग पार्ट्स आते हैं, इनको जोड़ दिया जाता है और अपना लेबल लगा के बेच दिया जाता है। दैट इज व्हाट इज आल्सो मैन्युफैक्चरिंग। एंड फोर्थ में क्या हुआ बताओ? फोर्थ में और थर्ड में क्या फर्क हुआ? फोर्थ में बताइए क्या हुआ? फोर्थ में वो बना बनाया वेट एंड मेजर खरीद रहा है, सिर्फ अपना स्टैंप या लेबल लगा के बेच रहा है। थर्ड वाले में क्या कर रहा था? पार्ट्स बने बनाए ले रहा था, असेंबल खुद कर रहा था। तो चाहे वो खुद बनाए, चाहे कुछ पार्ट्स बनाए, चाहे बना बनाए खरीदे, उन सबको क्या माना जाएगा? मैन्युफैक्चर। किस चीज की मैन्युफैक्चरिंग? वेट्स एंड मेजर की, ठीक है? प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन एज टू मीन यूटिलाइजेशन ऑफ रीडिंग ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनी वेट और मेजर फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग एनी स्टेप विच इज रिक्वायर्ड टू बी टेकन टू सेफगार्ड द वेलबींग ऑफ एनी ह्यूमन। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारी प्री पैकेज कमोडिटी होती है जिसके ऊपर इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं, वार्निंग लिखी होती है। ये सारी की सारी चीजें कहाँ लिखी होती है? प्री पैकेज कमोडिटी के पैनल पर। और ये हेल्प करती है प्रोटेक्शन में कि कौन सी चीज कैसे यूज करनी है, कहाँ नहीं रखनी है, किसके लिए नहीं है। दैट इज व्हाट इज नोन एज प्रोटेक्शन। प्री पैकेज कमोडिटी आई थिंक डिस्कस कर ही लिया हम लोगों ने।
prepackaged commodity means a commodity which without the purchaser being present. जब ये commodities pack हो रही थी तो purchaser present था कि नहीं था? नहीं था. Is placed in a package of whatever nature, whether sealed or not, so that the product contains therein has a predetermined quantity. उसके बाद person की definition है, पढ़िए जरा अपने आप. हर act में मिलती है आपको person की definition. I hope no doubt. ठीक है, premises बताइए. premises का मतलब क्या हुआ? premises मतलब क्या हुआ? premises जो आपसे कहा जाता है ना, स्कूल premises में ना घूमो. तो what was premises? वो सारी जगह जहां पर वो essential weights and commodities रखे हुए हैं. ठीक है, देखो कह रहे हैं premises में क्या होगा. कह रहे हैं जहां पर business run हो रहा है, हमारा कोई वेयरहाउस गोडाउन है, उसको प्रमाइसेस बोला जाएगा. अ प्लेस वेयर बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैव बीन केप्ट. ड्वेलिंग हाउस, ये कौन सा घर होता है? ड्वेलिंग हाउस क्या हुआ? घर जहां पे रह रहा है इंसान, ड्वेलिंग हाउस. एंड अ व्हीकल, वेसल और एनी अदर मोबाइल डिवाइस. अब देखो प्रमाइसेस की डेफिनेशन क्यों दी होती है ये भी समझ लीजिए. अब मान लीजिए लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट में, बहुत ध्यान से सुनिएगा, लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट में एक सेक्शन था जहां लिखा हुआ था कि अगर कोई इलीगल वेट और मेजर है या अनवेरिफाइड वेट और मेजर है तो प्रेमाइसेस पे इन्वेस्टिगेशन की जा सकती है, सर्च किया जा सकता है और ऐसे इलीगल वेट्स एंड मेजर को सीज किया जा सकता है. ठीक है, एक्ट में एक सेक्शन था जहां ये लिखा था कि किसी भी प्रेमाइसेस में सर्च की जा सकती है. ओके, और अगर कोई इलीगल वेट और मेजर मिला तो उसको सीज किया जा सकता है. अब हमको ये बताइए, जो मैन्युफैक्चरर है उसके घर पे एक तलाशी ली जा सकती है? क्यों? प्रमाइसेस लिखा है एक्ट में, तो प्रमाइसेस में देखो फोर्थ पॉइंट क्या है, ड्वेलिंग हाउस. लेकिन कब? इफ एनी पार्ट देयर ऑफ इज यूज फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग ऑन बिजनेस, अगर वो अपने घर के किसी पोर्शन को बिजनेस के लिए यूज करता है तो उसको भी प्रमाइसेस माना जाएगा और उसको भी चेकिंग किया जा सकता है. दैट इज व्हाई वी यूज द डेफिनेशन ऑफ दिस वर्ड प्रमाइसेस. आ गया समझ में? पक्का? अच्छा, रिपेयरर कौन हुआ बताइए? हु इज अ रिपेयरर? किस चीज की रिपेयरिंग हो रही है? वेट्स एंड मेजर्स की. ठीक है, कह रहे हैं रिपेयरर एज टू मीन अ पर्सन हु रिपेयर्स अ वेट्स और मेजर एंड इंक्लूड्स अ पर्सन हु जस्ट clean, lubricate, paint any weight or measure or renders any services. इसके बाद देखो easy easy definition है, seal, seal, stamp, stamp पता है ना? Okay, transaction verification, पढ़ लेंगे ये definitions. ठीक है, simple simple है, ये read कर लीजिएगा. एक stamp वाली पढ़ लीजिए. अच्छा, अभी ओके, फाइन. आप देखो सीधे आ जाओ स्टैंडर्ड वेट्स एंड मेजर. इसमें जो ये स्टार्टिंग का पूरा पैराग्राफ है ना, इसमें सिर्फ सेक्शंस के बारे में बता रहे हैं कि कौन से सेक्शन में क्या दिया हुआ है, तो ये आपको रीड नहीं करना. और अगर आपको बहुत मन है तो बस पहला पैराग्राफ रीड करके देखिए, चैप्टर टू ऑफ द एक्ट कंटेनिंग. जरा इसको रीड करके देखिए, आपको समझ में आएगा इसमें क्या दिया है. सिर्फ ये बता रहे हैं कौन से सेक्शन में क्या दिया हुआ है. ठीक है, पढ़ रहे थे कि सो गए थे? हाँ बेटा, कहाँ पर? अच्छा, स्टैम्प की डेफिनेशन में कौन सा वर्ड फर्स्ट? ओके ओके, इंडिकेटिंग दैट एनी मार्क विच वॉज प्रीवियसली मेड देयर ऑन सर्टिफाइंग दैट सच वेट और मेजर कंफर्म्स टू द स्टैंडर्ड हैज बीन ऑब्लिगेटेड, मतलब चेंज कर दिया, हटा दिया गया, बिगाड़ दिया गया. ठीक है, वो. अच्छा, नेक्स्ट आइए. अब देखिए इसकी अथॉरिटीज. हाँ, अपॉइंटमेंट एंड पावर ऑफ डायरेक्टर, कंट्रोलर एंड लीगल मेट्रोलॉजी ऑफिसर्स. चैप्टर 3 ऑफ द एक्ट कंटेनिंग सेक्शन 13 टू 23
डील्स विद अपॉइंटमेंट एंड पावर्स ऑफ डायरेक्टर कंट्रोलर एंड लीगल मेट्रोलॉजी ऑफिसर। जैसे हम लोग देखते हैं कि हर एक्ट के अंडर कोई ना कोई अथॉरिटी होती है, यहाँ पर कौन है, वो डायरेक्टर है, कंट्रोलर है और लीगल मेट्रोलॉजी ऑफिसर्स हैं। अगेन मार्क करिए, सेक्शन 13 एम्पावर्स द सेंट्रल गवर्नमेंट। डायरेक्टर ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी को कौन अपॉइंट कर रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट अ डायरेक्टर ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी, एडिशनल डायरेक्टर, ज्वाइंट डायरेक्टर, डेप्यूटी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर एंड अदर एम्प्लॉइज फॉर एक्सरसाइजिंग द पावर्स एंड डिस्चार्जिंग द ड्यूटीज असाइंड टू देम। अगला पैराग्राफ भी मार्क करिए, द डायरेक्टर एंड एवरी लीगल मेट्रोलॉजी ऑफिसर अपॉइंटेड शैल एक्सरसाइज सच पावर एंड डिस्चार्ज सच फंक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ सच लोकल लिमिट्स एज द सेंट्रल गवर्नमेंट मे नोटिफाई। तो इस एक्ट में भी अगर हम लोग देखें तो वो कौन सी अथॉरिटी है जिसने सब कुछ मैनेज किया है? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसको अपॉइंट किया है? लीगल मेट्रोलॉजी ऑफिसर्स यानी कि डायरेक्टर्स को, और ये डायरेक्टर्स वो सारे काम करेंगे जो करने के लिए इनसे किसने कहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, नेक्स्ट आ जाओ। देखो अब सेम टॉपिक आ गया, पावर ऑफ इंस्पेक्शन एंड सीजर। अब बताइए क्या होगा, टॉपिक की हेडिंग पढ़ के बताइए आप समझ गए इसमें क्या होगा। अगर कभी ऐसा डाउट हुआ या ऐसी कोई इंफॉर्मेशन मिली कि वेट्स एंड मेजर्स जो हैं वो अनवेरिफाइड हैं, इलीगल हैं या अनचेक्ड हैं, तो उनका इंस्पेक्शन किया जाएगा, सीजर किया जाएगा, फिर क्या होगा? कॉन्फिस्केशन। ठीक है, सेक्शन 15 ऑफ द एक्ट कन्फर पावर्स ऑफ इंस्पेक्शन। बताओ किसके पास पावर है इंस्पेक्ट करने की? डायरेक्टर, कंट्रोलर और एनी लीगल मेट्रोलॉजी ऑफिसर। बताइए इनको कौन अपॉइंट कर रहा था? सेंट्रल गवर्नमेंट। मे इफ ही हैज एनी रीजन टू बिलीव फ्रॉम एनी इंफॉर्मेशन गिवन टू हिम एंड टेकन डाउन इन राइटिंग और फ्रॉम पर्सनल नॉलेज दैट एनी वेट और मेजर और गुड्स इन रिलेशन टू विच एनी ट्रेड और कॉमर्स हैज टेकन प्लेस और इज इंटेंडेड टू टेक प्लेस। अगली लाइन में सीधे मार्क करो, आर ईदर केप्ट कंसील्ड इन एनी प्रमाइसेस और इन द कोर्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। मतलब कोई भी ऐसा वेट और मेजर जिसके रिस्पेक्ट में कोई ऑफेंस हुआ है, ये वाली लाइन देखिए, कह रहे एनी वेट और मेजर और गुड्स इन रिलेशन टू विच एनी ट्रेड और कॉमर्स हैज टेकन प्लेस इन रिस्पेक्ट ऑफ विच एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट इज कमिटेड और लाइकली टू बी कमिटेड आर ईदर केप्ट कंसील्ड। यानी कुछ ऐसे गुड्स हैं, कुछ ऐसे वेट्स एंड मेजर्स हैं जो ऑफेंस क्रिएट, जिनको यूज किया गया है ऑफेंस क्रिएट करने के लिए, उनको छिपाया जा रहा है। इसका मतलब समझिए, किसी के पास इलीगल वेट्स एंड मेजर्स हैं, उन इलीगल वेट्स एंड मेजर्स को यूज करके पब्लिक को डिसीव किया जा रहा है और ये इंफॉर्मेशन मिली कि ये इलीगल वेट्स एंड मेजर्स को कंसील किया जा रहा है, छिपाया जा रहा है। ऐसी सिचुएशन में डायरेक्टर क्या करेगा बताइए? इंस्पेक्शन करेगा, सर्च करेगा, सीजर करेगा और एडजुडिकेशन होने के बाद उनको क्या कर दिया जाएगा? कॉन्फिस्केट। ठीक है, सेम प्रोसीजर है जो सब में होता है। तभी देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखा है, द पावर इंक्लूड्स एंट्री एट एनी रीजनेबल टाइम इनटू एनी सच प्रमाइसेस। कौन एंट्री कर सकता है? डायरेक्टर या लीगल मेट्रोलॉजी ऑफिसर। कब कर सकता है? एनी रीजनेबल टाइम। कहां कर सकता है? आप बताओ कहां कर सकता है? प्रमाइसेस। क्या डेफिनेशन पढ़ी थी प्रमाइसेस की? जहां पर वर्क हो रहा है, गोडाउन है, वेयरहाउस है, ड्वेलिंग हाउस है या व्हीकल वेसल। ठीक है, इन सब जगह पर एंट्री की जा सकती है, इंस्पेक्शन किया जा सकता है एंड सर्च फॉर एंड इंस्पेक्ट एनी वेट और मेजर और अदर गुड्स इन रिलेशन टू विच ट्रेड एंड कॉमर्स हैज टेक प्लेस और इंटेंडेड टू टेक प्लेस एंड एनी रिकॉर्ड, रजिस्टर और अदर डॉक्यूमेंट्स रिलेटिंग देयर टू। अगली लाइन में देखो क्या लिखा है, दिस पावर ऑल्सो इंक्लूड्स सीजर ऑफ एनी वेट। यानी हमने इंस्पेक्शन किया और इंस्पेक्शन के बाद अगर हमको लगता है कि एक्चुअली में जो वेट्स एंड मेजर है वो गलत है, इलीगल है या उनको यूज किया जा रहा है ऑफेंस करने के लिए, तो क्या किया जा सकता है? उनका सीजर। अगले पैराग्राफ में देखिए लिखा है, वेयर एनी गुड्स सीज्ड आर सब्जेक्ट टू नेचुरल डीके। नेचुरल डीके, स्पीडी नेचुरल डीके का मतलब क्या हुआ? पेरिशेबल। यानी अगर मान लीजिए कुछ गुड्स हैं, गुड्स को सीज किया गया है और वो गुड्स पेरिशेबल नेचर के हैं, तो उन गुड्स को क्या कर दिया जाएगा? डिस्पोज ऑफ सच गुड्स इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। डिस्पोज ऑफ मतलब सेल कर दिया जाएगा। अब देखिए जैसे वहां हम लोग कॉन्फिस्केशन पढ़ते थे,
यहां देखिए क्या लिखा है, फोर फीचर, एवरी नॉन स्टैंडर्ड और अनवेरिफाइड वेट और मेजर एंड एवरी पैकेज यूज्ड इन द कोर्स और इन रिलेशन टू एनी ट्रेड और कॉमर्स सीज्ड अंडर सेक्शन 15 शैल बी लायबल टू बी फोरफीटेड टू द स्टेट गवर्नमेंट। बताइए इसका मतलब क्या हुआ। पहली चीज तो किस चीज को सीज किया गया था, वेट्स एंड मेजर कैसे थे, वो नॉन स्टैंडर्ड थे या अनवेरिफाइड। व्हाट डू वी मीन बाय नॉन स्टैंडर्ड वेट और मेजर, जो स्टैंडर्ड नहीं थे। अच्छा, कौन से स्टैंडर्ड के हिसाब से, मे बी OIML, अगर वो OIML स्टैंडर्ड के हिसाब से या इस एक्ट के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से नहीं थे तो उनका सीजर कर लिया गया। सीजर करने के बाद क्या किया गया, फोरफीचर, किसके पास गया वो, स्टेट गवर्नमेंट। नॉर्मली हम लोग देखते थे कि एसेंशियल कमोडिटीज में कॉन्फिस्केशन होने के बाद कहां जाता था, सेंट्रल गवर्नमेंट। यहां कह रहे हैं फोरफीट होके चला जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के पास। हाउएवर सच अनवेरिफाइड वेट और मेजर शैल नॉट बी फोरफीटेड टू द स्टेट गवर्नमेंट इफ द पर्सन फ्रॉम हूम सच वेट और मेजर वॉज सीज गेट्स द सेम वेरीफाइड एंड स्टैम्प्ड विद इन सच टाइम एज मे बी प्रिस्क्राइब। बताइए ये लाइन समझ में आई कि नहीं आई, हु कैन एक्सप्लेन मी दिस लाइन, आई वॉन्ट ऑल द हैंड्स टू बी रेज्ड। सब लोग पढ़िए, जब तक सबको समझ नहीं आएगा तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। जिसको समझ में आता जाए रेज योर हैंड्स। कुछ लोग ढूंढ रहे हैं लाइन कौन सी है, हम बताएंगे कौन सी लाइन है, कौन सी लाइन थी। हाँ, such unverified weight or measure shall not be forfeited if the person from whom such weight or measure was seized gets the same verified and stamped। आ गया सबको, raise your hand जिसको जिसको आ गया, अच्छे से हाथ उठाइए, full hand, L shaped hand नहीं चाहिए, I shaped hand चाहिए। कैसे कमजोर से हाथ हो गए आप लोगों के, अपना ही बोझ नहीं संभाल पा रहे। एक एक बार एक सेकंड के लिए पूरा स्ट्रेट करके दिखा दो, बस एक सेकंड। कुछ लोगों का भी लुढ़का हुआ एल है अभी थोड़ा सा, ठीक समझ गए, थक गए ना, अब पूरा दिन पढ़ाई नहीं करोगे ना। मैम ने हैंड्स रेज करने, आपको बचपन में ऐसे पता है हमारे स्कूल में तो होता था, बोथ हैंड्स रेज करके खड़ा कराया जाता था। ये मत सोचना हमी को पनिशमेंट मिलती थी, हमने बोला हमारे स्कूल में मिलती थी, हम तो अच्छे बच्चे थे, मिलती थी ऐसे बोथ हैंड रेज करने पनिशमेंट मिलती, मिली आप लोगों को चेयर पे खड़ा करना। हाँ, कई बार चेयर पे खड़ा करके हैंड रेज करके ऐसे मिली पनिशमेंट, बचपन से शैतान है आप लोग। तब कैसे हैंड रेज करते थे, ऐसे ही करते थे ना, जितनी देर टीचर देखती थी तब तक। फिर अच्छा, नील्स पे बैठना कभी मिली पनिशमेंट, ऐसे जमीन पे नीज पे बैठते थे, ऐसी मिलती थी पनिशमेंट, ऐसी नहीं मिली। अच्छा, ग्राउंड के राउंड लगाने की परमिशन, ये सबको मिली है ना, ग्राउंड के चक्कर लगाओ। अच्छा, ग्राउंड के चक्कर बैक टांग के लगाओ, ये नहीं मिली। अच्छा, सच सच बताओ कितने लोगों को स्कूल से निकाल दिया गया था, क्योंकि हमको कोई पनिशमेंट ही नहीं मिली, हमें तो पहले दिन निकाल दिया गया था, है ना। ये सारी पनिशमेंट मिली है। पीटी होती थी आपके स्कूल में, होती थी पीटी, देख के आपको बिल्कुल नहीं लग रहा है कि आपने कभी जिंदगी में हाथ भी उठाया होगा। एक हाथ उठाने में आपको लगा रे इतना भारी हाथ, कैसे 2 मिनट तक ऊपर उठाए रखे। कितने बूढ़े बूढ़े हो गए आप लोग, उम्र हो गई सीएस करते करते ना। सही बात है, ठीक है। अच्छा, एवरी वेट में कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, कौन सा पढ़ रहे हैं, थोड़ा जोश एनर्जी लाओ। हाँ, कौन से ईयर में आया ये सब्जेक्ट, कौन सा है, और आप लोग बड़े होके क्या बनने वाले हैं। कुछ कह रहे हैं आप क्या बड़े होंगे, उम्र तो निकल गई पूरी हमारी। एवरी वेट मेजर और अदर गुड सीज्ड अंडर सेक्शन 15 बट नॉट फोरफीटेड शैल बी डिस्पोज्ड ऑफ बाय सच अथॉरिटी इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब। अच्छा, अगली हेडिंग है मैन्युफैक्चरर टू मेंटेन रिकॉर्ड्स एंड रजिस्टर। फटाफट पढ़िए, देखिए कौन समझाएगा। किस चीज का मैन्युफैक्चरर और किस चीज का डीलर और रिपेयरर। इस चैप्टर में जहां कहीं भी मैन्युफैक्चरर रिपेयरर डीलर की बात हो रही है वो क्या बना रहे हैं, वेट्स एंड मेजर। पढ़ लिया, एनी डाउट। अच्छा, ये चैप्टर टफ लग रहा है,
नहीं हो पाएगा, नोट्स बना के ट्राई करना, हो जाएगा, इजी है, पक्का? ठीक है। डेक्लेरेशन ऑन प्री पैकेज्ड कमोडिटी, ये अभी नहीं पढ़ाएंगे, ये चैप्टर खत्म ना हो जाए, देखो खत्म ही होने वाला है। अच्छा है ना, ऐसे छोटे छोटे चैप्टर अच्छे होते हैं ना। तो डेक्लेरेशन ऑन प्री पैकेज कमोडिटी, वैसे टॉपिक अभी हमने आपको बताया था, प्री पैकेज कमोडिटी में जो फ्रंट और बैक होता है दैट इज व्हाट इज अ पैनल, और सारे डेक्लेरेशन हैज टू बी ऑन दैट ओनली, और ये लिखना एक्ट के हिसाब से कंपलसरी है। यानी अगर किसी पैकेट में ऐसी कुछ कुछ नहीं लिखा है या ऐसा कुछ डेक्लेरेशन नहीं है तो वो इस एक्ट के अंडर लायबल होगा। ठीक है, चलो यहाँ पर आज इसको स्टॉप करेंगे, और दो तीन टॉपिक्स और इसमें बचे हुए हैं, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में फिनिश करेंगे। ठीक है, चलो, थैंक यू।